हाय एवरीवन दोस्तों, घटना चक्र रिवीजन सीरीज में आज हम लोग बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित एवं मृत दोनों जानवरों का, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को बोलते हैं। पक्षी अध्ययन आर्निथोलॉजी, वंशागत अध्ययन जेनेटिक्स, पर्यावरण अध्ययन इकोलॉजी, जीवाश्म अध्ययन पेलियो बायोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, इक्थियोलॉजी मत्स्य अध्ययन से संबंधित है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, पैरासीटोलॉजी परजीवी अध्ययन, मेलोकोलॉजी मोलास्क का अध्ययन, पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। प्रोफेसर बीरबल सहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। एपिकल्चर शहद मधुमक्खी पालन से संबंधित है, हार्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधे, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों का, पोमोलॉजी फलों की खेती का, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती का, पीसीकल्चर मछली पालन का, विटीकल्चर अंगूर की खेती का। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संयोजन से, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से, जेरेंटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों से, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ओरोलॉजी परतों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। अब जैव विकास देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इयोन यानी कि महायुग, सबसे पुराना है ये। उसके बाद फिर एरा आता है, महाकल्प, फिर कल्प आता है पीरियड, फिर इपोच आता है युग, उसके बाद फिर एज आता है काल, जो कि सबसे नवीन है एज। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल पर गैस अनुपस्थित थी, ऑक्सीजन नहीं था, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थीं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। इनका सिद्धांत है विकासवाद या प्राकृतिक वरणवाद। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत विकासवाद प्राकृतिक वर्णवाद में शामिल है। ओवर प्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जैव विकास परिकल्पना पर पहला सिद्धांत लैमार्क ने दिया, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को ह्यूगो डिब्रीज ने दिया, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज क्रोमैग्नॉन है। चर्चा में रहने वाला डेनिसोवन शब्द का एक आदिमानव जाति है आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु है। मैमथ पूर्वज है हाथी का, डायनासोर थे मेसोजोइक मध्यजीवी का विशाल का सरीसृप था। वर्गीकी, जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों यानी कि इंसेक्ट्स की है। कीट अर्थोपोडा संघ में आते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जबकि इनमें हरित लवक का अभाव होता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जंतु है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म रुधिर समतापी बॉडी टेम्परेचर एक समान सदैव रहता है, जैसे कि पक्षी स्तनधारियों का। कोल्ड ब्लडेड यानी कि असमतापी, इनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मत्स्य, उभयचर और सरीसृप आदि।
हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, किंतु श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। समुद्री जंतु जो मछली नहीं है, जेलीफिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि। वास्तविक मछली कैट फिश, गोल्डन महसीर है, समुद्री घोड़ा है। शार्क मछली में हड्डियों की संख्या है जीरो है, क्योंकि पूरा शरीर कंकाल तंत्र उपास्थि का बना होता है। स्पर्म वेल विशालतम दांत वाली वेल है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपाई जीव हैं। एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी चमगादड़ है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी हैं, जबकि समुद्री घोड़ा एक कशेरुकी मछली है। मेंढक के कायांतरण में आते छोटी हो जाती हैं, जिससे मांसाहारी भोजन पचाने में सहायक है। परभक्षियों से बचने के लिए स्वयं को लपेटकर छोटा कर लेते हैं। जाहक हेजांग स्तनधारी कशेरुकी, वज्रशल्क पेंगोलिन। कपि प्राणी जगत में हेमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो शाखाएं हैं, छोटा हीन कपि जैसे कि गिबन, महाकपि बड़ा आकार का जैसे कि चिंपैंजी, मनुष्य, गोरिल्ला, ओरंग उटांग। जबकि लंगूर कपि वर्ग में नहीं बल्कि बानर वर्ग में आते हैं, शामिल हैं। तीन प्रकोष्ठ हृदय होते हैं, मेंढक, सांप, छिपकली आदि में तीन कोष्ठ होते हैं, और दो प्रकोष्ठ हृदय मछली में होते हैं, चार प्रकोष्ठ हृदय बंदर में होते हैं और मगरमच्छ में होते हैं। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय होता है। इसके अपवाद जिसमें नहीं होता है, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, चूहा हो गया। बिना रीढ़ वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होता है। गीदड़ के पैर में खुर नहीं बल्कि नाखून युक्त गद्दीदार पैर होते हैं, जैसे कुत्ता का। वन्य प्राणी वैज्ञानिक नाम, एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोनस, बारह सिंघा, रूजरवस दुआसेली, चिंकारा, गजेला बेनेट्री, नीलगाय बोसलाफस। लक्षण प्राणी, उड़ान रहित पक्षी कीवी, फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य, अपाद सरीसृप सर्प, ऑक्टोपस मृदु कवचीय जंतु। अन्य नाम डेविल फिश। सबसे बड़ा अकशेरुकीय जंतु है कोलोसल एक स्कविड। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। यह कीट वर्ग का प्राणी है जो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। जुगनू कीट वर्ग का है। इसकी चमक लूसिफेरस एंजाइम के कारण होती है। ऊपर उप परजीविता, एक परजीवी पर दूसरा परजीवी का आश्रित होना। कीट वर्ग, तीन जोड़ी पाद यानी कि पैर होते हैं, अर्थात छह पैर। खटमल घरेलू मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, तितली। जबकि मछली एरेक्निडा वर्ग में, क्योंकि इसके आठ पैर होते हैं। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। इसका उत्पादन मकड़ी, तितली, मधुमक्खी करती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोसामर रेशम कहते हैं। रेशम का कीड़ा सिल्कवाम कोषित यानी कि प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रावण मादा कीट करती है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चमड़ा आदि। रेशम लाख शहद की प्राप्ति कीटों से होती है, जबकि मोती की प्राप्ति मोलास्क संघ के जीव से होती है। तिलचट्टा कॉकरोच का खून सफ़ेद होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है, इसलिए कोशिकाओं तक ओटू का परिवहन ट्यूब्स प्रणाली से होता है। केंचुए में आरबीसी का अभाव होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, वातक तंत्र से, ट्रेकेड सिस्टम। फीता कृमि टेपवाम उभयलिंगी, फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। अपरधारी डेट्राई
कार्निवोर्स, जो अपना पोषण अपरद मृत सड़े गले पौधों जानवरों को खो खाकर प्राप्त करते हैं, उनको अपरदहारी बोलते हैं। जैसे केचुआ, काष्ठयुका, सहस्रपादी, रात्रिचर जंतु, मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, कीवी हो गया। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। चींटियों को कवकों के कृषक के रूप में जाना जाता है। चींटियों एवं कुछ कवकों के मध्य अन्योन्याश्रिता का संबंध होता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिससे यह ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। यह अंड प्रजक सर्प है। इसका विष तंत्रिका विषी होता है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंबिका दंत के। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। कीट बच्छी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति, जैसे घटपर्डी नेफेंटिस, सुमेलित कीजिए। इष्ट कीड़वन, कैसीन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृत बीजी, घटपर्डी परभक्षी कीट भक्षी, हल्दी तने से प्राप्ति, खाना वाला हिस्सा को प्रकंद बोलते हैं। वनस्पति नाम करकुमा लौंगा है। कुल वंश जिंजीबेरेसा कुल का है। तने का रूपांतरण अर्थात संग्रह अंग तना है। आलू अदरक गन्ना, रूपांतरित जड़ सलजम गाजर शकरकंद। नोड एवं इंटर नोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। उदाहरण के लिए भालू गन्ना अदरक आदि। अदरक प्रकंद, आलू स्तंभकंद, लहसुन शल्ककंद, जिमीकंद सूरन धनकंद। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का है। द्विबीजपत्री एवं शाकीय पौधा है। सहारे के लिए प्रतान की जरूरत पड़ती है। प्याज मांसल पर्ण नारियल भ्रूणपोष, आलू कंद रूपांतरित तना। असत्य फल है सेब काजू नाशपाती आदि। लीची उष्णकटिबंधीय फल है। सोप बैरी परिवार का सदस्य है। एक प्रकार का ड्रूप फल है। छिलके एवं गुदे के अंदर सख्त गुठली होती है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक है। प्याज छिलने पर आंसू आना क्यों? सल्फेनिक अम्ल से। सोरोसिस फल के उदाहरण है सहतूत कटहल अनानास। सन पटसन जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को बीजों से प्राप्त किया जाता है। ट्रिटिकेल गेहूं प्लस राई का मिश्रण या एक मानव निर्मित कृत्रिम अनाज है। मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाते हैं। लाइकेन मांस, लाइकेन शैवाल एवं कवक का सहजीवी है। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर लगे रहते हैं। यांत्रिक अवलंब हेतु ये स्वपोषी होते हैं। जलीय पौधे हाइड्रोफाइट, लवण मृदोद्भिद हैलोफाइट, चट्टानी पौधे शैलोद्भिद। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, घटपर्डी कीट भक्षी। जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य उत्पादक स्वपोषी करते हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जिबरेलिन साइटोकाइनिन है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। गन्ने हेतु जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर होता है। स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक, तृणभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता। महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं डायटम साइनोबैक्टीरिया। सेब में लाली एंथोसाइनिन, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपिन, हल्दी में जैंथोफिल, चुकंदर में विटरनिन, पपीते में कैरिका जैंथिन।
गुच्छी एक कवक है, अर्थात एक महंगा मशरूम है, कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। माइकोराइजा कवक मूल, कवक एवं पौधों के मध्य सहजीवी संबंध हेतु। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पॉपी से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना फके फल के लैक्टेस से। अफीम पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपकी फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैम्पेवर सोमनीफेरम। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी कोशिका। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकांड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग डीएनए पाया जाता है। डीएनए की खोज फ्रिडरिक मिशर ने की थी। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। पादप एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, चयनात्मक पारगम्य। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में बृहद रसधानी जबकि जंतु कोशिका में छोटी रसधानियां होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से निर्मित होती है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम की होती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद केप्स चक्र माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। अनुवांशिकता। आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। तीन नियम आते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत पर आधारित है, लैंगिक जनन पर। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं गुणसूत्रों द्वारा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था सूटन एवं बोवेरी ने। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्लाउमान जीन जंपिक जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकली टॉक ने। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोस, इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से संबंधित है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक राइजोबियम एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम नील हरित शैवाल एजोला एनाबीना नोस्टॉक। फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक बैसिलस स्यूडोमोनास एस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्जिलरेटर सेलुलोलिटिक लिग्नोलिटिक। अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है। माइकोराइजा पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग धान के खेत में होता है। एजोला एनाबीना नोस्टॉक नील हरित शैवाल आदि धान की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है। राइजोबियम मटर की फसल में एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में राइजोबियम मटर की फसल में और एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में एजोला धान की फसल में। नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी है। साथ मिलाने पर अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। एजोला जलीय फर्न है। वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों के साथ सहजीविता रखने वाले जीवाणु नाइट्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण करते हैं।
उदाहरण अल्फा अल्फा, चना क्लोवर, तिपतिया घास। दलहनी फसलें चना मटर सीम अरहर आदि की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, जबकि धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसे दूर करने के लिए यूरिया एजोला नील हरित शैवाल आदि का प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीवाणु राइजोबियम और जैपोनिकम जिम्मेदार होता है। कंकाल मांसपेशीय तंत्र मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस जो है 1%। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है 28 होती है। हड्डी मस्तिष्क खोल कपाल बनाती है। 8 हड्डियां मस्तिष्क खोल यानी कि कपाल बनाती हैं और 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। लिगामेंट स्नायु उत्तक हड्डियों के जोड़ का निर्माण करता है। केराटिन एक प्रोटीन है जो मृत त्वचा में उपस्थित रहता है। नाखून बाल खूर आदि। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। इसके साथ फ्लोरीन की आवश्यकता है। शरीर का दृढ़ भाग दंत वल्क है जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उरोस्थि स्टर्नम जत्रुक क्लेविकल जनुफलक जानुफलक पैटेला स्कंद फलक स्कैपुला। पाचन तंत्र मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। हालांकि भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता है। मानव जीभ अग्रभाग से मीठा पश्च भाग से कड़वा और पार्श्व किनारे से खट्टा जो है स्वाद आता है। मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का यानी कि स्टार्च का। लार के पाचन कार्यों में शामिल भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जबकि लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु नष्ट में सहायक होता है, नष्ट करने में सहायक होता है। आमाशय जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करता है, जिसमें HCL उपस्थित रहता है, HCL हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंजाइम ये मूलतः प्रोटीन होते हैं, जैव प्रेरक होते हैं, शरीर में जहां उत्पादित होते हैं वहीं अपना कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन उत्पादित स्थान से अलग स्थान पर कार्य का संपादन करते हैं। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज को एथेनॉल में करता है जाइमेज। ग्लूकोज C2H12O6 और एथेनॉल C2C2H5OH प्लस 2COT2। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अनेक कार्यों को संपादित करती है, जैसे पित्त का उत्पादन, अमोनिया को यूरिया में चेंज करना, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन करना। ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना। भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय एवं आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होते हैं जठर रस, पित्त रस। ट्रिप्सिन एंजाइम है अग्नाशय
अग्नाशय से निकलता है, और लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और अमाशय से पेप्सिन पाचक होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से अमाशय में शुरू होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होता है। अधिकांश भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। उनका क्रम ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में होता है। ये होता है, सुमेलित कीजिए। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। विटामिन केरोटीन एंजाइम पेप्सिन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन केरेटीन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। 10 दिनों से अधिक उपवास करने पर लीवर पर क्या असर पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम होगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यानी पथरी वसा की पाचन को प्रभावित करता है। पित्ताशय का श्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसका संचय पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर करता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसका रस प्रकृति में क्षारीय होती है। विटामिन एवं पोषण प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान जीवाणु और इष्ट दोनों के बने हैं। दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिसमें पोषक और औषधि प्रभाव। फंक ने विटामिन की अवधारणा का विकास किया है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर संश्लेषित नहीं करते हैं, जबकि विटामिन डी के B12 का मानव शरीर संश्लेषण करता है। जल में घुलनशील विटामिन BC, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। जीवधारियों में पोटेशियम के, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर क्लोरीन इत्यादि का की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें ही दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। सेब पोटेशियम के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होते हैं। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य है चयापचय के उपोत्पाद के रूप में। उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके कोशिकाओं को बचाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथिनिक अम्ल, विटामिन B6 पाइरोडॉक्सिन, विटामिन B1 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइकोकोबालामिन, विटामिन C एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेराल, विटामिन E टोकोफेराल और विटामिन K नेप्टोक्विनोन। विटामिन C घाव भरने में एवं लौह के अवशोषण में सहायक होता है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन K दोनों का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, जबकि कैल्शियम और विटामिन D की संयुक्त कमी से वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। विटामिन D को हार्मोन भी माना जाता है। विटामिन कमी और रोग B3 नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। B1 थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग, विटामिन K की कमी से रक्त थक्का जमना, विटामिन A रतौंधी रोग। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल।
विटामिन B12 में मौजूद धातु है कोबाल्ट, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है। विटामिन B6 सुमेलित कीजिए, विटामिन B6 धान की चोकर से मिलता है, विटामिन ए क्वाड यकृत तेल से मिलता है, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल से मिलता है, विटामिन के अल्फा अल्फा विटामिन डी क्वाड मछली तेल से मिलता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता होती है यानी कि एनीमिया होता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। रेटिनाल रतौंधी रोग, टोकोफेराल बंध्यता, पाइरोडॉक्सिन मानसिक व्याधि, साइनोकोबालामीन रक्त अल्पता, विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन ई बंध्यता रोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, उदाहरण मटर, अरहर, मूंगा, सोयाबीन आदि। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रिनेलिन, डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। पानी कैलोरी मुक्त आहार होता है, शून्य कैलोरी। भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं जबकि इसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित रहता है। शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के बीच संतुलन फास्फोरस द्वारा बनाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज स्टार्च का बाहुल्य होता है। गाय का दूध हल्का पीला है होता है कैरोटीन उपस्थिति से। दूध का सफ़ेद रंग कैसिन प्रोटीन से। दूध पचाने हेतु रेनिन एंजाइम का यूज होता है। प्रोटीन में मुख्य अवयव होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लौह आदि। आड़ू उपस्थित धातु, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पीतल तांबा, चैल्कोपायराइट तांबा। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, निकेल। उष्मा एक्स कीड़े भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं जबकि अवरक्त कीड़े प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। अलसी प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 वसी अम्ल का। ग्लाइसिन सेरीन टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल है जो मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं जबकि तात्विक अनिवार्य अमीनो अम्लों का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वसा के चयापचयी प्रक्रम में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। आहार समूह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों अधिक मात्रा में पाई जाती है। ट्रांस वसा स्वास्थ्य हेतु खतरनाक क्योंकि यह अच्छे HDL स्तर को कम करता है जबकि खराब HDL बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेराइड है, यह लिपिड का एक प्रकार है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार है जो वसा कोशिकाओं में संचित होता है। श्वसन तंत्र, श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतः श्वास इंस्पिरेशन तथा उच्च श्वास एक्सपिरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन का सही अनुक्रम है फुफ्फुस, रक्त, फिर उत्तक, मतलब पहले फेफड़े में जाता है, फिर रक्त में जाता है, फिर उत्तक बनता है, उत्तक तक पहुंचता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है।
एली एल्वियोली, ये जो है ना, यही है एल्वियोली, जो कूपी का दिख रहा है, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, हाइपोक्सिया। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लाइकोज 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित होता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अवायवीय श्वसन में पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45% पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या क्या आता है? जल होता है 91%, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और रुधिराणु में प्लेटलेट्स होता है, जो 45% है उसमें प्लेटलेट्स होता है, RBC होता है, WBC होता है। तो WBC में एक कणिका युक्त WBC होता है, एक कणिका मुक्त WBC होता है। तो जो कणिका युक्त WBC होता है उसमें इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होता है, और कणिका मुक्त वाला जो है वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होता है। जब हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें दिया रहता है कि जो है लिम्फोसाइट आपका कम हो गया है या बढ़ गया है। हृदयाघात, हार्ट अटैक के सटीक लक्षण हैं जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द, बांह में दर्द एवं झंझनाहट। रक्त के संचलन में मदद करता है एरिथ्रोसाइट। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन, ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। प्रकृति क्षारीय है, pH मान 7.1 से 7.4 होता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। केचुआ एक एनिलीड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन RBC में पाया जाता है। औसत रक्तचाप BP बराबर 120/80 होता है। पहले को प्रकुंचन दाब बोलते हैं यानी सिस्टोलिक, और दूसरे को प्रसारण दाब बोलते हैं डायोस्टोलिक, यानी 120 जो है वो सिस्टोलिक है और 80 जो है डायस्टोलिक है। BP को स्फिग्नोमैग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। AB रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं जो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करती है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन का उपस्थित होना। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया थ्रोम्बिन एंजाइम से संबंधित है। RBC का विनाश एवं WBC का निर्माण प्लीहा में होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होने के बाद प्लीहा में विनाश होता है, जबकि WBC के तहत लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा लसिका ग्रंथि थाइमस ग्रंथि में होता है। हृदय को रक्त संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं, जो हृदय की दीवार तक शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। संचरण है वो। उत्सर्जन तंत्र, यकृत अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है, यह हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। मूत्र यूरिन हल्का अम्लीय होता है।
पीएच मान 6 होता है, हल्का पीला रंग, यूरोक्रोम वर्णक से। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। संपूर्ण रुधिर यानी कि वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया यूरिक अम्ल को पृथक करता है। अपोहक डायलाइजर कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। किडनी स्टोन यानी कि पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है जो श्वेत रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, जबकि किडनी गुर्दे वृक्क रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण यूरिया को छानकर बाहर करता है। मानव पसीने में मुख्य रूप से सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जिंक आयरन मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, जबकि कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क सोचने हृदय गति शारीरिक संतुलन रक्तचाप आदि के लिए उत्तरदायी है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। उदाहरण पैर कांटे पर पड़ते ही पीछे हटाना। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस केंद्र बिंदु है। भूख प्यास प्यार घृणा ताप नियंत्रण गुस्सा रक्तदाब बीपी यानी कि पसीना इन सब का कारण हाइपोथैलेमस है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन जबकि बहिस्रावी ग्रंथ नलिका युक्त होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन है? पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसके हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि अर्थात मिश्रित ग्रंथि हैं। अग्नाशय बहिस्रावी के रूप में पाचन में सहायक, अंतःस्रावी के रूप में रक्त शर्करा को विनियमित। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? अंडाशय में। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसोल। पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग, जबकि अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। अग्नाशय को पाचक रस या अग्नाशयी रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रिटिन है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन का स्रोत अग्नाशय की बी सेल्स एवं डहेलिया की जड़ें हैं। हार्मोन कार्य मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्रण करता है। गैस्ट्रिन आमाशय से गैस्ट्रिक अम्ल श्रावण को प्रेरित करता है। माँ का प्रेम वात्सल एवं मैथुन भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाता है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। पैराथायराइड परावटु ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें 65% आयोडीन होता है। इस हार्मोन की कमी से गेंगा रोग हाशिमोटो रोग बच्चों में जड़वा मन्नता वयस्कों में मिक्सीडीमा नामक रोग होता है। एड्रीनेलिन क्रोध भय खतरा फेरोमोन गंध से साथी को आकर्षित करना। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन को। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर
सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, वृद्धि हार्मोन है ये। अधिकता से भीमकायिता शरीर, कमी से बौनापन शरीर होता है। पैरावेटू पैराथायराइड हार्मोन एक रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मेलाटोनिन को रात का हार्मोन यानी कि अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है, प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। फेरोमोन्स को सामान्यतः कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के स्वभाव को निर्धारित करता है। जनन एवं भ्रूणीय विकास, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ शुक्राणु एवं अंडाणु में क्रिया द्वारा युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। शुक्राणु ओवम को डिग्वाहिनी नली में निषेचित करता है। मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 48 से 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? वृषण में। प्रकाश संश्लेषण, पर्ण हरित क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक मैग्नीशियम है, अन्य घटक में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, C6CO2+12H2O, C6H12O6+6H2O प्लस 6O2 निर्मुक्त, अर्थात CO2 ग्रहण करते हैं एवं O2 छोड़ते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का सूत्र है C6H12O6। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% जलीय पौधों व शैवालों से होती है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल, नीला, हरा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश को ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, सनलाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्लोरेला अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लोरेला हरी शैवाल की प्रजाति है। गहरे समुद्र में 400 से 8000 फीट की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, अवरक्त विकिरण सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा पैदा करते हैं। पादप पोषण, जाइजम उत्तक जल परिवहन, जाइलम जो होता है जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, फ्लोएम उत्तक आहार परिवहन के लिए। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में और 8 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। तो बृहद मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है वो है लौह, जिंक, तांबा, निकल, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, मैंगनीज, बोरान। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी हैं। नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करके नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व है, यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका गठन के लिए आवश्यक है। अमरबेल पूर्ण स्तंभ तना परजीवी है, आवृत बीजी पौधा है। यह पोषक के चारों ओर लिपट कर भोजन, खनिज, लवण, जल पोषण को प्राप्त करता है। फसल लॉगिंग विधि, फसल उत्पादन हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। पादप हार्मोन,
पांच प्रमुख पादप हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। पादप हार्मोन कार्य, ऑक्सिन का कार्य शिखर प्रधानता, जिबेरिलिन का कार्य कोशिका वृद्धि और साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका विभाजन, एब्सिसिक अम्ल का कार्य है वृद्धि अवरोधक। सूखे से संबंधित सहिष्णुता वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है एथिलीन, यह फल पकाने में सहायक है। इसके साथ एसिटिलीन गैस भी कृत्रिम रूप से फल पकाने में सहायक है। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। पादप जनन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग पराग कोष होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद पराग कणों का निर्माण होता है। पुंकेसर नर जननांग जबकि अंडप मादा जननांग होते हैं। इसमें अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा होता है। इसमें पराग कोष एवं तंतु होते हैं, फिलामेंट। पौधों में गुटी लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जो वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। गन्ने की उत्पादन लागत घटाने हेतु बर्ड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। क्लोनल वर्ण उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है, आलू के लिए उपयोगी है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। तना काट, दाब लगाना, कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। इन सभी पद्धति में नए पौधे की आनुवंशिकी एवं आकारिकीय संरचना अपने जनक पौधे के समरूप होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक पौधे में पुष्प सबसे मुख्य भाग अंग होता है। पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। बीज अंकुरण हेतु महत्वपूर्ण दशाएं पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि का उपयोग पोस्ते के बीजों में होता है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोष से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण या सजात पुष्पी परागण कहलाता है। परागण की परिभाषा, परागकण का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है संकर बीज। किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। पादपों का आर्थिक महत्व, आय की नीलम एवं आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य संकर किस्म का विकास हुआ है जिसका नाम है रत्नाम, जबकि आम्रपाली का विकास दशहरी और नीलम के क्रास से बनी संकर प्रजाति है। काशी लालिमा भिंडी के फसल की प्रजाति है। सीओ 1148 गन्ने की महत्वपूर्ण प्रजाति है। फसल सरसों प्रजाति वरुड़ा, मटर सपना, आलू सूर्या, मूंगफली कौशल। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। नीम में एजाडीरैक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इसमें कीटनाशक कवकनाशक गुण होता है। नीम से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च आदि पर्वतीय वन में पाए जाने वाले पौधे हैं। ये कोटधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। तुलसी के पौधे में फिनॉल, फ्लेवोनाइड, सैपोनिन आदि औषधीय गुण मौजूद हैं। ताड़ तेल, पॉम आयल,
लिपस्टिक, इत्र बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल है। इस तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। ताड़ तेल वृक्ष पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है। जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल उत्पादन है तो कच्चा माल गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू, क्षतिग्रस्त अनाज, गेहूं, चावल आदि। पेट्रोक्राफ्ट में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उदाहरण जेट्रोफा, करंज आदि। रतनजोत देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित है। पौधा ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक, सदाबहार मधुमेह दूर करने के लिए, पुदीना वातहत पाचन के लिए है, तुलसी कफोत्सारक खांसी के लिए, नीम मच्छर विकर्षक है, कैफीन उपस्थित रहती है चाय कॉफी शीतल पेय आदि में। समुद्री खरपतवार बहुकोशिकीय शैवाल है जो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुट्टू का आटा बकवीट नामक पौधे से प्राप्त होता है। वानस्पतिक नाम है फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटस। पुदीना आर्किया मेंथॉल तेल मुख्यतः पुदीना की पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उत्पाद अफीम स्रोत फल पैपेवर हिंग जड़ फेरुला रबर तना कुनैन छाल सिंकोना। हिंग या जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेली फेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एसा फोटिडा फेरुला फोटिडा आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हिंग प्राप्त की जाती है। टापा कपड़ा बनाने हेतु प्रायः सहतूत परिवार मोरेसी के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के इलाज के लिए प्राकृतिक दवा कुनैन एवं कृत्रिम दवा क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। विषाणु जनित रोग वायरस शब्द दिया M.W. बेंजेरिक ने। इसका न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए अथवा डीएनए आधारित संभव आरएनए वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक अनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेशन करता है। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका सजीव माध्यम में ही वंश वृद्धि करते हैं। विषाणु संपर्क वायु भोजन जल कीटों आदि के द्वारा संचरित होते हैं। विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। ACE2 पद का उल्लेख विषाणु जनित रोगों के प्रसार हेतु। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण संयुक्त रूप से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका तथा भारत सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। डेंगू बुखार हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। वायरस के संक्रमण से होता है। ये वाहक क्यूलेक्स फैटिंगेंस एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के कारण होता है। मलेरिया ज्वर का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा जंतु है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। पीत ज्वर एलो फीवर एक संक्रामक वायरस रोग है। वाहक एडीज जाति के मच्छर हैं। एडीज एल्बो पिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। पीत ज्वर डेंगू ज्वर चिकनगुनिया सेंट लुई इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों का कारक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का कारक फ्लेवी विराइडी कुल का विषाणु है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। इस रोग से मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। हाइड्रोफोबिया पानी से डरने की प्रक्रिया है। रेबीज का पुराना नाम भी है। यह विषाणु जनित रोग है। मेनिनजाइटिस विषाणु जीवाणु अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने वाला रोग है।
विषाणुओं, जीवाणुओं, अन्य परजीवी के संक्रमण से अतिसार रोग होता है। वयस्कों में नोरा वायरस से, जबकि बच्चों में रोटा वायरस से संक्रमण होता है। किसी क्षेत्र विशेष में अस्थाई रोग है तो यह स्थिति एंडेमिक कहलाती है। कोई संक्रामक रोग से कम समय में बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो तो यह स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का विश्व भर में प्रसार हो तो पैंडेमिक कहलाता है। पोलियो संक्रामक रोग है जो पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा, दूषित भोजन एवं दूषित जल द्वारा संचरण, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो टीके की खोज जोनास साल्क ने 1952 में करी थी। ट्राई वैलेट एवं वाई वैलेट वैक्सीन पोलियो रोग से संबंधित है। राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम संक्रामक विषाणु रोग है। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। यह विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों द्वारा होता है। पानी के प्रदूषण, जल दूषित से होने वाले रोग, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, कॉलरा। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो इसी वायरस से होता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है। अन्य नाम यकृत शोथ बी। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। रक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 3 प्रमुख रोगों का उन्मूलन हो चुका है भारत में। चेचक मुक्त 1977 में, गिनीवर्म 2000 में और पोलियो मुक्त जो है भारत 2014 में घोषित हो चुका है। चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु रोग है, वेरियोला वायरस से होता है। टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। WHO ने 1900 में चेचक मुक्त विश्व घोषित किया। एडीनो वायरस सामान्य विषाणु का एक समूह है। इससे बुखार, खांसी, दस्त, सर्दी, जुकाम आदि समस्याएं होती हैं, जबकि एड्स, HIV रेट्रोवायरस से होता है। जिडोवुडिन एजिडोथाइमिडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे HIV एड्स के उपचार में प्रयोग होता है। एलिजा परीक्षण एड्स हेतु एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। खसरा मीजल्स विषाणु रोग है। फूट एवं माउथ रोग विषाणु से। एंथ्रेक्स रोग विषाणु से। ब्लैक क्वार्टर विषाणु से। काऊ पॉक्स विषाणु से। सभी दुधारू पशुओं मवेशियों के रोग हैं। बर्ड फ्लू विषाणु H5N1 नाम है विषाणु का। इसे बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा रोग भी कहते हैं। स्वाइन फ्लू विषाणु H1N1 सुअर से प्रत्यक्ष फैलता है। जीका वायरस रोग का वाहक एडीज प्रजाति, मुख्यतः एडीज इजिप्टी मादा मच्छर के मच्छर होते हैं। इबोला वायरस का नामकरण इबोला नदी कांगो के नाम पर हुआ। पहला केस 1976 में यहां मिला। WHO ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया। जीवाणु जनित रोग हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से। प्लेग पॉस्चुरेला पेस्टिस से। कोड माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री से। तपेदिक या TB माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। टाइफाइड सेलमोनेला टाइपी से। डिप्थीरिया रोइडी कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। गोनोरिया निसेरिया गोनोरी से। सिफिलिस ट्रेपोनीमा पॉलीडम से। काली खांसी हीमोफिल्स परट्यूसिस से। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। भोजन विषाक्तता सेलमोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु से होती है। फूड पॉइजनिंग भोजन का विषाक्त होना अर्थात बॉटुलिज्म रोग ब्लॉटिज्म रोग क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक जीवाणु से होता है। बॉटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। बैसिलस हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है, छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस का मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। मैनटॉक्स का परीक्षण TB रोग से संबंधित है। BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक TB के बचाव हेतु
शिशु को लगाया जाता है जन्म से 12 माह के अंदर। वायु द्वारा रोग टीबी, पानी द्वारा रोग हैजा कॉलरा, संपर्क द्वारा रोग सिफिलिस, घाव द्वारा रोग टिटनेस, प्लेग पिसुओं के काटने से होता है, फाइलेरिया मच्छरों की से फैलता है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, टाइफाइड आंतें प्रभावित होती हैं, दंत क्षय दंत क्षरण बैक्टीरियल संक्रमण है, उत्तरदायी जीवाणु है स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक जीवाणुरोधी दवाएं पेनिसिलियम पेनिसिलिन सल्फाडाइजिन क्लोरेम्फेनिकॉल आदि, सल्फा ड्रग किस प्रकार की दवा है, प्रतिजीवाणुक दवा है मतलब एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड सल्फामेराजाइन सल्फाडाइजिन आदि, सिबाजोल कवक जनित रोग पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग या जूनोसिस रोग कहते हैं, ये जीवाणु विषाणु परजीवी से फैलते हैं, म्यूकोर माइकोसिस कवक जनित संक्रमण है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले को प्रभावित करता है, अर्ग टाल टाटपय संदूषित अनाज के उपभोग से होता है, वाहक क्लेविसेप्स परपूरिया कवक, हाथी पांव यानी एथलीट फूट कवक जनित बीमारी है, वाहक टाइकोफाइटोन कवक जनित रोग दाद खाज खुजली और गंजापन। अन्य परजीवी रोग किसने खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, रोनाल्ड रॉस ने, गोलक्रीमी निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया, अन्य नाम फील पाउ, मलेरिया प्रोटोजोवा से होता है, पोलियो विषाणु से तपेदिक जीवाणु से, दाद कवक से और जीवाणु प्लेग से, प्लेग से जीवाणु होता है, दाद से दाद कवक से होता है, जीवाणु से प्लेग होता है, कवक से दाद होता है। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवाणु से प्रोटोजोआ से होता है। वंशागत रोग रंजकहीनता एक अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा बालों आंखों में मेलानिन रंजक अनुपस्थित होता है। अधिरक्त स्राव हीमोफीलिया एवं वर्णांधता अनुवांशिक रोग है। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया नामक अनुवांशिक रोग से ग्रसित है उसे जड़ता यानी कि मानसिक जड़ता भूलना है। बबल बेबी रोग दुर्लभ अनुवांशिक रोग है। शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र असफल हो जाता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर गोल गर्दन मोटी मुख खुला आंखें तिरछी होती हैं। अन्य नाम ट्राइसोमी 21 त्रिगुण सूत्रता पेशी दुष्पोषण अनुवांशिक रोग है। एक वर्णांध पुरुष सामान्य स्वास्थ्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों को में। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है। यह एक अनुवांशिक रोग है जिससे रक्त प्रभावित होता है। हीनताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ने से गठिया रोग अर्थराइटिस होता है। ड्रॉप्सी रोग में निम्न कारक जिम्मेदार हैं। सरसों तेल में आजीमोन मिलावट, सरसों तेल में साइनाइड मिलावट, सरसों तेल में उजला रंग मिलावट। कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। वातोन्माद अर्थात हिस्टीरिया वातोन्माद
यानी कि हिस्टीरिया नामक रोग जवान तथा अविवाहित महिलाओं को अधिक होता है। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, जैसे बेचैनी, बेहोशी, घबराहट आदि। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधी बीमारी है, सिलिका श्वसन माध्यम से फेफड़े में जाती है। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग होता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में थायमिन नहीं होता है, अर्थात विटामिन B1 की कमी होती है। बुलिमिया नर्वोसा भोजन संबंधी विकार है, व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं कि कब भोजन करना रोका जाए, अर्थात अत्यधिक भोजन सेवन। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, दूषित जल में नाइट्रेट अधिकता से, रक्त में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से, RBC के हीमोग्लोबिन से, नाइट्राइड की क्रिया से। हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, इससे बचाने हेतु बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम हृदय धड़कन को सुचारू एवं नियंत्रित रखता है, सबसे अच्छा स्रोत सेब है। पोटेशियम की कमी से निम्न BP का रोग होता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो किडनी फेल होने की आशंका रहती है। हालांकि एल्बुमिन रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव किडनी गुर्दे वृक्क पर होता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर ल्यूकोमिया, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि, सोडियम 24 रक्त व्युतिक्रम, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार WBC। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के उपचार हेतु फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60 गामा कीड़े उत्सर्जित करती है। इंफ्रारेड विकिरण और रक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। ओंकोजीन असामान्य जीन है, जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी है। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। यह कैंसर का थर्ड स्टेज है। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है। कारण और समाधान। विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँख को होती है, जबकि सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। IMRT यानी कि तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा कैंसर समाधान की नवीन तकनीक, जिसमें स्वास्थ्य कोशिकाओं को बचाते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करना। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार हेतु प्रयोग होता है। प्रमस्तिष्क अंगघात, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो छोटे बच्चों में होती है, जिससे शारीरिक नियंत्रण कठिन होता है। अल्जाइमर से प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है, इसमें स्मरण क्षमता छीण हो जाती है। इस बीमारी हेतु उत्तरदायी प्रोटीन है बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। एनोसमिया अग्राढ़ता गंध अग्राह्यता रोग में मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। प्रदूषक अधिकता बीमारी पारा से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम से इटाई नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी, फ्लोराइड आयन से फ्लूरोसिस दांत की बीमारी। DRDO ने लूकोस स्किन नामक हर्बल औषध विकसित की, जिससे ल्यूकोडर्मा के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद दाग रोग है, ये त्वचा रोग है ल्यूकोडर्मा। बीमारी मैरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है। क्वासीर योर्कर प्रोटीन अल्पता के कारण होता है।
फाइलेरिया लसिका ग्रंथ प्रभावित होता है, इंसेफ्लाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है, पीलिया से यकृत, निमोनिया से फेफड़े और टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का साफ दिखता जबकि दूर का अस्पष्ट धुंधला दिखता है। उपचार अवतरण लेंस। हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का साफ दिखता है जबकि निकट का धुंधला अस्पष्ट दिखता है। उपचार उत्तल लेंस। अंध बिंदु पीत बिंदु आँख के दृष्टि पटल के मध्य स्थित होते हैं। मोतिया बिंद रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है, जबकि ग्लूकोमा बीमारी में आँख के पीछे स्थित हृदय दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मानव आँखों की पुतली एट्रोपिन एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। स्लीप एपनिया निद्रा संबंधी विकार है, जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार बाधित होता है। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग ज्वाइंट रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है, जिसके द्वारा घुटने के जोड़ों, नितंब के जोड़ों, एड़ी के जोड़ों आदि का उपचार किया जाता है। मदिरा शराब के अतिसेवन से यकृत का सूषण रोग लीवर सिरोसिस होता है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण तंबाकू युक्त गुटखा का सेवन है। इसमें मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, जिससे खाने पीने बोलने आदि में समस्या होती है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, इसमें यकृत कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिससे पीले बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है और यह रक्त पूरे शरीर में पहुंचकर शरीर को पीला कर देती है। ब्राइटस रोग को यूरेमिया भी कहते हैं, अर्थात रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें किडनी प्रभावित होती है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। उदाहरण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिली होती है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। कॉफ़ी चाय मदिरा पान के सेवन से शरीर में ADH हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। मेथी के बीज रक्त शर्करा को सामान्य रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, मधुमेह रोगी के लिए लाभदायक है। मधुमेह उपचार हेतु इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किया था FG बेंटिंग ने। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग की जाती है वह सीने के वक्ष स्थान से ली गई धमनी होती है। हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होती है। जीरोप्थैल्मिया नेत्र में विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है, जिसमें कार्निया की कोशिकाएं सूखने लगती हैं। औषधि वितरण में काम आने वाली वेजिटेरियन खाली संकुट मांडी से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट स्लेस से निर्मित होते हैं, जो पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। ये ब्लैंक कैप्सूल्स है जो गोलियां जो दवाइयां आती है टेबलेट। प्रमुख पादप रोग विषाणु वायरस संक्रमित कर सकते हैं जीवाणु को, कवकों को, पादपों को, जंतु को, मानव को। पादप रोग कारक खट्टेनाशर जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न कवक, आलू का कृष्णकांत रोग O2 की कमी, गेहूं का सेहू रोग सूत्रकृमि कीट। फसल रोग आलू पिछैती झुलसा, बाजरा अर्गट, चना उकठा वीट, मटर बुकनी, सरसों सफ़ेद गेरुई, बाजरा कंडुआ, मूंगफली टिक्का कवक से, अरहर उकठा। नोट उकठा रोग मुख्यतः पौधों के पत्तियों से संबंधित है। इस रोग से पत्तियां सूखने लगती हैं, मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसलें प्रभावित होती हैं, उदाहरण अरहर चना गन्ना आदि।
मक्का में सफ़ेद कली, पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना जिंक की कमी से होता है। पौधों में वाइट बर्ड रोग जिंक की कमी से होता है। पाइरिला गन्ने की फसल का कीट है, यह पत्तियों एवं तने में सुराख करता है। सफ़ेद कीट सरसों का महत्वपूर्ण कवक रोग है। गेहूं का रोग गेरुई, धान का रोग खैरा एवं झूठा कंट गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं। काला कीट स्मट करनाल बंट रोग है गेहूं का, यह भी कवक रोग है। धान का टुंगरू विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। भिंडी में पीतवर्ण सीरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी उत्तक ऐसा विकार है जो मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को कुप्रभावित करता है, जिससे आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं में, पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के चरण, आनुवांशिक पदार्थ की पहचान, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले डीएनए जीन का परिवर्तन, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका अथवा जीव में स्थानांतरण, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रावाहिक प्रक्रिया। प्रायः चर्चा में रहने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? CRISPR-9 टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। प्राकेंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग संतान में होने वाले सूत्रकणिका संबंधी अनुवांशिक रोगों के प्रसार को रोकने हेतु किया गया। सूत्रकणिका माइटोकांड्रिया डॉली भेड़ सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। इसे क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया 1996 में स्कॉटलैंड। 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण इसका निधन हो गया। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल द्वारा 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन बछड़े समरूपा को विकसित किया। इस उसके बाद जून 2009 में गरिमा का जन्म कराने में सफल रहा। दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट वर्ष 2009 में विकसित की गई, जिसका नाम इनजॉज रखा गया। क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा विकसित उत्पन्न किया जाता है। परखनली शिशु IVF के मामले में निषेचन यानी कि जायगोट माता के शरीर के बाहर होता है। बने हुए भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। सूक्ष्म जीव जीवाणु जो BT कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है बैसिलस थूरिन जीएनसिस। इसका जीन CRY1AC होता है। स्तंभ कोशिका स्टम सेल्स ये प्राणी में जीवन भर स्वतः विभाजन क्रिया करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ये भ्रूण के साथ साथ कई अंगों एवं उत्तकों में पाई जाती है। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी के द्वारा जंतुओं की जननीय क्लोनिंग की जाती है। पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को आविष्कार की श्रेणी से बाहर रखा गया है, अतः इसका भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। सितंबर 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड IPAB गठित किया गया था, जो अर्ध न्यायिक निकाय है। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 तकनीक का प्रयोग अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास हेतु, जैव पीड़कनाशियों जैव कीटनाशक के रूप में जीवाणु कवक पुष्पीय पादप का प्रयोग किया जाता है। टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी
के माध्यम से एक फसल के बीजों में डाला जाने वाला जीन बीजों को बंद कर देता है, जिससे बीजों का केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस किसानों के साथ साथ उपभोक्ता के लिए भी लाभदायक है। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित, जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित करता है। यह एक ट्रांसजेनिक चावल है। इसका बी का कैरोटीन जीन डैफोडिल से प्राप्त होता है। एमनियोसेंटिसिस प्रसव पूर्व परिचर है, जिसे लिंग का पता लगाया जाता है, ब्रूड लिंग। जैव परत बायोफिल्म मानव उत्तकों के भीतर चिकित्सीय अंतररोपों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शाती है। बायोचिप अर्धचालकों के समान ही एक चिप है, जिसमें जैविक पदार्थ डीएनए आरएनए प्रोटीन होता है। जेनिको इंजीनियरिंग आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है, मुख्यतः गर्भ में स्थित शिशु के रोगों हेतु। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु की गतिविधि संबंधी, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी का प्रयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में भी होता है। शिशु का पितृत्व या पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग होता है। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने तो क्या प्रयोग किया जाता है, फ्लोरोसेंट पाउडर। जब एक जीन दो या अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो कहलाता है बहुप्रभाविता। विविध संरक्षा संस्था एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से जुड़ी है। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आवाहन पहल एड्स रोकथाम हेतु शुरू किया गया। नैको की स्थापना 1992 में हुई थी। यह भी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़ी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई, जिसमें बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, मुख्यतः डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, पोलियो, टीबी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी शामिल है। कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण योजना 1983, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन 2005, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 में सम्मिलित है, मधुमेह, हाई बीपी, स्कूल पूर्व शिक्षा, मृत्यु पंजीकरण इत्यादि, जबकि इसमें HIV एड्स शामिल नहीं है। आयोडीन लैमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सिरका में अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, हड्डियों में यौगिक कैल्शियम फास्फेट, आमाशय में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फलों का पकना एथिलीन, साइट्रिक अम्ल बनाने में उपयोगी है एस्पारजिलस। आर्किबैक्टीरिया दलदली स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन उत्पादन में होता है। सैकेरोमाइसिस एक कोशिका वाले ईस्ट हैं, जिनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में होता है। इसका प्रयोग इथेनॉल उत्पादन में भी होता है। जैव आवर्धन उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा बढ़ना, अर्थात प्रदूषण बढ़ना। ओरोबैंकी खरपतवार परजीवी पौधा है, जो तंबाकू, आलू, टमाटर के खेत में पाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व कुष्ठ निवारण 31 जनवरी, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। एंडोस्कोप यंत्र से भीतरी भाग के रोगों की पहचान की जाती है। केस्क्रोग्राफ द्वारा पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। शिस्त व्यापक विलोप का अर्थ है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, प्राकृतिक आवासों का नाश,
पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईओजी रेटिना, ईएमजी मांसपेशियां, ऑडियोग्राम कान, मेसोग्राम मेमोग्राम वस्त्र से संबंधित है, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु किया जाता है, लिथोट्रिप्सी नाम द्वारा कीड़ों की सहायता से गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय की पथरी को तोड़कर निकाला जाता है, टेट्राप्लेजिया अर्थात दोनों हाथों दोनों पैरों में पक्षाघात लकवा होना, इसे क्वाड्रीप्लेजिया भी कहा जाता है, जबकि पैराप्लेजिया का अर्थ शरीर के निचले हिस्से दोनों पैर में लकवा। कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयान कहा जाता है, इसे प्राकृतिक स्रोतों वृक्ष कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबर से संबंधित है, ऊन एक प्रोटीन है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, फुलरीन कार्बन अपरूप है, ऊन जैव निम्नीकरण है, जबकि प्लास्टिक कप एल्यूमिनियम फाइल कांच की बोतल आदि जैव निम्नीकरण नहीं है। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई पादप रेशा। कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन -320 फारेनहाइट अथवा शुष्क बर्फ एवं अल्कोहल में -100 सेल्सियस में संग्रहित किया जाता है। पशु नस्ल भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुनापारी, गाय थारपारकर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है देसी गाय अथवा गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। निश्चेतक बेहोशी के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, सल्फोनल बेरोनल आदि। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। नॉन स्टेराइडल गर्भ निरोधक गोली को CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई, उसका नाम सहेली से ट्रान छाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने कोलोस्ट्रॉम को सुरक्षित आहार ड्रग्स मुक्त बताया है, जिसका प्रयोग एथलीटों द्वारा किया जाता है। यौगिक वर्गीकरण एड्रेनालिन हार्मोन, थायमिन विटामिन, केराटिन प्रोटीन, सैक्रिन कार्बनिक यौगिक, कृत्रिम मिठास हेतु। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, KC मेहता पादप रोग विज्ञान, P महेश्वरी भ्रूण विज्ञान, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, CDRI लखनऊ की फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, हेडक्वार्टर देहरादून में है। CDRI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, CCMB का हेडक्वार्टर हैदराबाद में, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB, सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंडस्ट्री भावनगर में है गुजरात, केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में है मध्य प्रदेश में है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान CIMAP लखनऊ में है, पूरा नाम सिम्पो था, स्थापना 1957 में किया गया। संस्थान अवस्थिति राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग कोलकाता, सेंट्रल लेप्रोसी संस्थान आगरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, DNA फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी चंडीगढ़, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान नई दिल्ली, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, कृत्रिम अंगूर निर्माण निगम कहाँ स्थित है कानपुर में, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में स्थित है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है।
एफएओ का मुख्यालय है रोम में, केंद्रीय एग्मार्क लैब नागपुर में, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में 2017 में खुला। कोडीन बेहोशी का ड्रग है। क्रिचुक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल है। कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। एल्कोहल मारिजुआना अफीम मनश्चेतक पदार्थ है, जबकि सिगरेट का धुआं उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। सिलिका जेल के छोटे पैकेट्स नमी को सोखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया। पहला हृदय प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया, दक्षिण अफ्रीका के सर्जन थे। जॉर्विक सेवेन एक कृत्रिम हृदय है। पेसमेकर का अन्य नाम एसेनोड या सीनोएट्रियल नोड है। यह हृदय गति को नियंत्रित करता है। शरीर में निर्जलीकरण होने पर सामान्य रूप से शरीर में लुप्त होने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। निर्जलित व्यक्ति को समुद्री जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे कोशिकाओं के निर्जलित होने का खतरा रहता है। स्त्रियों की आवाज़ तारत्व अधिकता, पुरुषों की आवाज़ में तारत्व कम होता है। शारीरिक कार्य, जिम करने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल संचय होने से थकान महसूस होती है। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण, जीव द्रव्य कला, श्वसन सूत्रकणिका, प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम। शीत भंडारों में फलों सब्जियों का अपघटन दर धीमा हो जाता है, जिससे अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। जीवाणु की खोज की लुवेन हाक ने। एडवर्ड जेनर ने 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की। चेचक के टीके का आविष्कार किया, इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। पोलियो की टीका खोजा गया जोनास साल्क द्वारा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर नापने में किया जाता है। यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु गणना की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों की आयु गणना होती है। ई कॉर्निया एक जलीय पुष्पीय पादप है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। मूलतः अमेजन में पाई जाती है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण यह अक्सर तालाब में देखा जाता है, इसलिए इसे पॉन सिल्क भी कहते हैं। जबकि यूलोथ्रिक्स शैवाल मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। जैव सेल प्रौद्योगिकी द्वारा क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली संभव होगी। पॉली हाउस पॉलीथीन द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक छाया है, जो पौधों को उगाने के लिए प्रयोग होता है। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है, सशक प्रजाति। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को बोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। ये लास्ट पेज है। धान के पौध उगाने की डेपोंग विधि विकसित की गई फिलीपींस में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी जया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटबज्जी मछली है गैम्बूजिया। विश्व का प्रथम देश भूटान, जिसने 2004 में तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाई। ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है कहलाता है अर्थगत स्मृति। सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे कहते हैं चिंतन। तो इस तरह से जो है ये बायोलॉजी का भी रिवीजन हमने कर लिया है। थैंक यू।